हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर फिर से एक और बार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। ओके, तो पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था लास्ट वीक के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो एक उसका जो टारगेट जो हमने दिए थे उसमें से फर्स्ट नंबर का जो टारगेट था वो था 32,625। मतलब ये जो वीक था उसका हाई पॉइंट अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो भी लगभग उसके आसपास था, 32,613 के आसपास। उसके आसपास से जो है वो वहाँ से हर्डल लिया है और वहाँ से उसने जो हमारा थर्ड नंबर का सपोर्ट था जो मैंने उस वीडियो में बताया था 32,075 का लेवल, वो एक इम्पोर्टेंट था, वो भी उसने ब्रेक कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली कल जो है उसने क्लोजिंग भी उसने नीचे दे दिया है। तो निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी को अगर हम कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी वीकनेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है अभी हाल फिलहाल। ओके, अभी जो करंट सिचुएशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम उसके सपोर्ट और टारगेट जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो 6 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक रहने वाला है उसके अंदर क्या उसके सपोर्ट रहेंगे, टारगेट रहेंगे, वो हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसका जो सपोर्ट नंबर 1 जो है अभी है, क्योंकि उसने जो फाइनल जो एक लेवल था वो ब्रेक कर दिया है, फिर भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे या तो इंट्राडे के टाइम पे अगर ये थोड़ा और नीचे करेक्ट होना चाहे तो वो लगभग 31,800। फ्रेंड्स, ये वाला जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी चार्ट पे मुझे जो मैं रीड कर रहा हूँ इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो 31,800 का लेवल जो है वो अगर उसने नीचे की तरफ काटने की कोशिश की, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से आप जो है वो थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर कि अगर इसने क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे दे दिया तो हम ये जो करेक्शन है वो थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं, और ये करेक्शन जो है वो फिर आगे 31,700 से लेके 31,525 का जो लेवल है वहाँ तक जो है वो जा सकता है। और मेरे हिसाब से ये फाइनल लेवल होगा उसके करेक्शन का, उसके नीचे उसको नहीं जाना चाहिए। अगर ये फिर नीचे चला गया तो फिर जो है वो थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट एरिया जो है बैंक निफ्टी के लिए वो ध्यान में रखना है 31,800 का, और वो जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर होने को ऐसा हो भी सकता है कि ये 32,050 का जो लेवल है अभी जहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया है वो वाला जो एरिया है वो भी बहुत ही अच्छा है यहाँ से बाउंस होने के लिए। और जो है उसने थोड़ा सा ट्राई भी किया कल जाते जाते, उसने जो है वो थोड़ा ऊपर आने की कोशिश भी की है। तो आपको एक इम्पोर्टेंट, फिर भी अगर नीचे का एरिया जो है वो काटने की कोशिश करता है तो आपको ध्यान में रखना है 31,800 का क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। हाँ, तो अब हम उसके टारगेट के बारे में देखते हैं, जो उसका जो पहला जो टारगेट है अब हम उसके टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो उसका पहला जो टारगेट है, टारगेट नंबर 1 बैंक निफ्टी के लिए वो है 32,225 का लेवल। ये वाला जो है वो अब उसका एक इम्पोर्टेंट हर्डल का काम कर रहा है अभी। अगर इसने क्लोजिंग बेसिस पर ये वाला जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस की हम बात कर रहे हैं, क्लोजिंग के ऊपर अगर इसने ऊपर दे दिया तो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा और अप मूव देख सकते हैं, और वो जो अप मूव है वो लगभग 32,375 के लेवल तक जा सकता है। और उसके ऊपर अगर उसने फिर कोशिश की तो 32,600 के लेवल है, और वहाँ से लेके वो थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकता है। इस बार अगर ये नीचे से बाउंस हुआ तो हम उसके अंदर ये जो है वो 32,800 के लेवल जो है वो भी इसके अंदर देख सकते हैं। फिर ये वाला जो एरिया है 32,800 वो भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है इसके लिए, यहाँ से भी वो थोड़ा उसको हर्डल महसूस हो सकता है, मतलब वहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है उसको। तो आपको क्लोजिंग बेसिस पर 31,800 का नीचे के लेवल पे वो ध्यान में रखना है, और ऊपर के अंदर आपको 32,025 का लेवल ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा रहा इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली व्यू और गोल्ड सिल्वर कॉमोडिटी के साथ साथ हम करंसी के भी जो है वो सपोर्ट टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।